प्रेजेंट टीचर। हेलो चैंपियंस, आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे बेसिकली, जिसमें हम लोग को एडिशन करना और सबट्रैक्शन करना होता है फ्रैक्शंस को। ओके, इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग स्टोरी प्रॉब्लम ही बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं, कब मुझे हमें ऐड करना है, कब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अंडरस्टूड? और हम ये भी देखेंगे इस ये दोनों एग्जांपल्स में, आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। अंडरस्टूड? तो ये दोनों मतलब आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ये दो कुछ एग्जांपल से, आपको पहला चीज की वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं और सेकंड चीज कि दो मिक्स फ्रैक्शन कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अंडरस्टूड? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम बोल रहा है कि राम बॉट 4 एंड 3 अपॉन 4, इसको रीड कैसे करते हैं? 4 एंड 3 अपॉन 4 केजी मैंगोज एंड 4 एंड 2 अपॉन 3 केजी ऑरेंज फ्रॉम मार्केट। मार्केट से कितना केजी लेकर के आ रहा है? तो इतना केजी मैंगो लेकर के आया है और इतना केजी ऑरेंज लेकर के आया है। बता रहा है व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स। नाउ यहां पर फ्रूट की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये नहीं पूछ रहा है कि ऑरेंज कितना है, मैंगो कितना है, ये बताया फ्रूट्स। तो फ्रूट्स के अंदर क्या आता है? ऑरेंज भी आता है और मैंगो भी आता है। इसमें दोनों को क्या करना है, हम लोग को ऐड करना होगा, है कि नहीं? क्योंकि दोनों को, क्योंकि दोनों का जब वेट हम मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, वेट जो है इंक्रीज करेगा, राइट? अंडरस्टूड? इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे हम। तो लिखते कैसे हैं ये वर्ड प्रॉब्लम में, आपको अब सीनियर क्लासेस में क्या है ना, आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ता है आपको एक्सप्लेन करके। अंडरस्टूड? पहले क्या करते हैं हम लोग कि डेटा को लिखते हैं, जो दिया गया है उसको लिखते हैं और बाद में जो फाइंड करना होता है उसको हम लोग फाइंड करते हैं। अंडरस्टूड? तो लिखते कैसे हम लोग, तो ये यहाँ पे या तो सर लिखते हैं वेट ऑफ मैंगो, और लिखने का दो तीन तरीका है, ठीक है ना। जैसे लिखते हैं वेट ऑफ मैंगोज, ऐसे लिखते हैं हम लोग राम मैंगो बॉट बाय राम इक्वल्स टू, ऐसा लिखते हैं हम लोग, या फिर ऐसा लिखते हैं वेट ऑफ मैंगोज इक्वल्स टू 4 एंड 3 अपॉन 4 केजी। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग वेट ऑफ ऑरेंज इक्वल्स टू कितना है, तो 4 एंड 2 अपॉन 3 केजी। ओके, हमें फाइंड करना है टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करना है। ओके, देखिए जब भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस में दिया हो क्वेश्चन और उन्हें ऐड करना हो, तो पहले करते क्या है, हम लोग मिक्स्ड को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अंडरस्टूड? तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। ओके, तो ये क्या होगा, तो कैसे करते हैं हम लोग मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इस बार इस नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो 4 * 4 16, 16 + 3 कितना हो जाएगा 19 अपॉन 4 केजी इक्वल्स, यहां पे इसका क्या होगा 4 3 = 12, 12 + 2 14, तो 14 अपॉन 3 केजी। ओके, अब क्या करेंगे हम, इस दोनों को ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पे क्योंकि टोटल वेट ऑफ फ्रूट बता रहा है, तो फ्रूट में क्या आता है, ये भी आता है ये भी आता है, जब तो दोनों क्या करेंगे, दोनों का हम लोग कंबाइन करेंगे तो वेट इंक्रीज करेगा, है कि नहीं? तो ऐड करेंगे हम लोग, तो 19 अपॉन 4 केजी प्लस 14 अपॉन 3 केजी। ओके, एलसीएम में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, राइट ना। 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 3 जा 12 3, और 3 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 19 3 जा 57 प्लस 3 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 को डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 3 4 जा 12 तो 4, और 14 4 जा कितना होता है, होता है 56। यहां पे केजी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नीचे 12 आ गया, इधर केजी भी देते हैं हम लोग, 6 प्लस 7 कितना 13, कैरी 1, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11। ओके, नाउ कुछ कट रहा हो तो कट कर देंगे हम। अंडरस्टूड? नाउ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, वर्ड प्रॉब्लम में जब भी अगर यूनिट दिया हो ना, तो यूनिट सब जगह लिखते हैं, ठीक है ना। जल्दी पहले सब जगह जब नंबर दिया हो ना कैलकुलेशन, तो नंबर में यूनिट कोई होता नहीं है, तो हम यूनिट नहीं यूज करते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि यूनिट हम हर स्टेप पे लिखें। अंडरस्टूड? हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोग बस सिंपली जो है ऐड करते जाते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। जूनियर क्लास में क्या करते हैं, दो फ्रैक्शन को ऐड करना, डायरेक्ट ऐड करते हैं, बट ये वर्ड प्रॉब्लम है, हमको डिटेल में लिखना पड़ेगा चीज क्या दिया हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और मुझे क्या फाइंड करना है। इससे क्या होता है ना, क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग हम लोग को और अच्छा होता है, ठीक है।
अंडरस्टूड। तो क्या दिया हुआ था और मुझे क्या फाइंड करना था, और सेकंड चीज यूनिट आपको सब जगह लिखना है, अंडरस्टूड समझ में आपको। अब तो हमने देखा कि कैसे हम दो मिक्स क्वेश्चन को ऐड करते हैं, हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, व्हाट शुड बी एडेड, कौन क्या ऐड करूं टू दिस, मतलब इसमें। तो मान लेते हैं यहां पे लेट दैट नंबर बी एक्स और इक्वल्स टू एक्स। अब यहां पे कोई यूनिट नहीं है क्योंकि नंबर है, ठीक है ना। बोला व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस, मतलब एक्स को इसमें ऐड करना, चलिए ऐड कर लेते हैं एक्स प्लस 12 एंड 3 अपॉन 8 टू गेट दिस, मतलब जब ऐड करेंगे उस नंबर को जिस इस नंबर से ऐड करेंगे तो गेट क्या मिलेगा मुझे, ये नंबर मिलता है। तो लिख देते हैं हम, ठीक है, ये हम लोग को मिल गया है, अंडरस्टूड। क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे हम लोग, ओके। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है। देखिए ये मान लीजिएगा अगर आपको एक्स नहीं पढ़े तो यहाँ पे क्या मान लीजिए अननोन है ये कोई चीज, ठीक है ना। एक्स क्या लिखते हैं हम, अननोन ले सकते हैं, यहाँ पे अननोन ले सकते हैं हम लोग, आप ये समझ लीजिए, ठीक है, अंडरस्टूड। या फिर अगर एक्स से बनाते हैं तो एक्स ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए जो चीज अननोन होता है ना उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, जो नोन होता है उसको एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या ये नंबर नोन है, ये नंबर मुझे पता है कि ये नंबर है और ये नंबर है मुझे पता है ही, तो हम लोग करेंगे इसको हम लोग अकेला छोड़ देंगे, ठीक है ना। इसको अकेला बनाने के लिए करना पड़ेगा मुझे, इसको हटाना पड़ेगा, अंडरस्टूड, मुझे इसको हटाना है। अब इसको कैसे हटाऊंगा, तो ये क्या प्लस इतना है तो मुझे पता है कि अगर कोई नंबर है उसमें उसी नंबर को माइनस कर दे तो जीरो हो जाता है, राइट। और जीरो प्लस समथिंग इज दैट समथिंग, राइट। तो इसमें अगर मैं इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मान लीजिए मैं इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं माइनस 12, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू साइन है तो इस इक्वल टू साइन को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए इसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, मतलब क्या मान लीजिए अभी जो है इस इक्वल पोजीशन में है, ठीक है ना। मान लीजिए कि जो उन्होंने जो हम लोग जो वेटिंग जो होता है का जो मशीन होता है, ठीक है ना, मान लीजिए हाथ में जो हैंडल करके हम लोग यूज करते हैं हम लोग, और मान लीजिए यहाँ पे 5 kg हमने कुछ रखा है, यहाँ पे हम लोग 5 kg का एप्पल है, ठीक है ना। 5 kg क्या वेट करने वाला है और यहाँ पे क्या है 5 kg का कोई सामान है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं यहाँ पोटैटो मान लीजिए है, इसमें से मान लीजिए मैं 2 kg निकाल रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। बट मुझे क्या करना, बैलेंस रखना है हमारे, सपोज तो यहाँ से मैं 2 kg निकाल रहा हूँ, मुझे यहाँ से 2 kg क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यहाँ पे निकालने का मतलब क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो इस ये बराबर होने के लिए अब सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको मुझे ऐसे ही रखना है, तो क्या करूँ मैं, मान लीजिए इतना जितना मैंने सब्ट्रैक्ट किया इधर उतना ही इधर मुझे सब्ट्रैक्ट करने का हटाना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे इक्वल टू साइन देंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग उतना ही को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए ना 12 and 3/8 हो जाएगा, अंडरस्टूड। ये प्लस माइनस ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो प्लस ये समथिंग समथिंग आ जाएगा इक्वल्स टू, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इस तरह से ले रखा है ना कि आपको मैं यदि समझा दूं कैसे दो मिक्स क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो इम्प्रॉपर में कैसे होगा, ये 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 86 कितना होता है 108 और प्लस 5 113, ओके ओके गुड। माइनस ये 8 है, लीजिए 12 8 कितना होता है 96 प्लस 3 99। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मैं एलसीएम लूंगा, 6 और 8 कितना है, क्या एलसीएम हो जाएगा, तो 12 होने से इसको जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग क्या आएगा 24 आएगा, एलसीएम आप इसको दोनों का ले लीजिएगा 24 आएगा। अब इस 6 से डिवाइड कर, 6 को डिवाइड कर, ऐसे डिवाइड करेंगे इसको 24 को, कितना जाएगा 4 आ जाएगा। तो 113 into 4 माइनस इसको जब डिवाइड करेंगे 30% कितना का 3 आएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ओके। जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं। तो चलिए मैं इसका यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। 24 देखिए 4 3 12 कैरी 1, 4 1 4 प्लस 1 5 और ये 4 माइनस 9 3 27 कैरी 2, 9 3 27 27 28 सॉरी
28, 29, ओके। तो ऐसे कितना हो गया, ये 24 नीचे हो गया, 70 का कितना होगा 5, ओके। यहां पे कितना हो गया 4 हो गया 5, और यहां पे क्या है 3 था तो माइनस 1 आ जाएगा यहां पे। अंडरस्टूड? तो देखा आपने, ये हम लोग का आंसर आ गया है। अंडरस्टूड? तो आपने समझा कि कैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग, ओके। कैसे हमने ये भी देखा कि कैसे दो मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं। अंडरस्टूड? तो आई होप आपको भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, थैंक यू।